मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे लेसन 6 के अंतर्गत रसारोहण का। देखो, रसारोहण क्या होता है बेटा? मूल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वही रसारोहण कहलाता है। क्या बताया? मूल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पादप के शीर्ष भाग तक पहुँचना रसारोहण कहलाता है। और रसारोहण की जो क्रिया प्रक्रिया जाइलम ऊतक द्वारा संपन्न होती है, जिसमें वाहिका और वाहिनिका मार्ग का कार्य करती हैं। ये जाइलम कोशिकाएं होती हैं जो मार्ग का कार्य करती हैं। रिपीट कर रहा हूँ, मूल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पादप के शीर्ष भाग तक पहुँचाना या पहुँचना ही क्या कहलाएगा? रसारोहण कहलाता है। और ये क्रिया जाइलम ऊतक द्वारा संपन्न होती हैं, जिसमें जाइलम कोशिकाएं वाहिका और वाहिनिका मार्ग का कार्य करती हैं। इसके बाद की दूसरा एक क्वेश्चन रूप में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रसारोहण की क्रिया जाइलम ऊतक द्वारा संपन्न होती है। आया हुआ क्वेश्चन है कि कैसे सिद्ध करके बताओ कि जाइलम ऊतक द्वारा ही होती है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं और इस बीकर के अंदर ईओसिन और किसका बेटा, जल का घोल ले लेते हैं, जो लाल रंग का हो जाता है। जल में ईओसिन डालते ही लाल रंग का हो जाता है। और इसमें एक गुल अब्बास का छोटा पादप लेते हैं, उसको जड़ सहित उखाड़ के इस बीकर के अंदर स्टैंड की सहायता से लगा देते हैं। 2 से 3 या 4 घंटे बाद जब हम इस पादप पत्तियों का परीक्षण करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पत्तियों का जो यानी सतह है उसके अंदर सिरा और सिरिकाएँ हैं वो लाल रंग की हो जाती हैं। यदि हम इन पत्तियों का TS काटें, अनुप्रस्थ काट काटते हैं, तो इसमें जो जाइलम ऊतक होता है अंदर की ओर, तो उसकी जो कोशिकाएं हैं जिनमें वाहिका और वाहिनिका लाल रंग की होती हैं, लाल रंग का द्रव्य उपस्थित होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि रसारोहण की क्रिया जाइलम ऊतक द्वारा संपन्न होती है। इसके बाद है रसारोहण की क्रियाविधि। देखो बेटा, रसारोहण की क्रियाविधि के 3 सिद्धांत दिए गए हैं जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। एक तो जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत। लास्ट टॉपिक है इस लेसन के, ये रसारोहण की क्रियाविधि के जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत। मैं रिपीट कर रहा हूँ आज के टॉपिक को, ध्यान रखना। रसारोहण मूल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचाना ही रसारोहण कहलाता है। और यह क्रिया जाइलम ऊतक द्वारा संपन्न होती है, जिसमें वाहिका और वाहिनिका मार्ग का कार्य करती हैं। इसके बाद है एक क्वेश्चन के तहत कि सिद्ध कीजिए कि रसारोहण की क्रिया जाइलम ऊतक द्वारा संपन्न होती है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर जल और ईओसिन का घोल तैयार करते हैं, जो लाल रंग का होता है। अब इसमें एक गुल अब्बास का छोटा पादप जड़ समेत उखाड़ के स्टैंड की सहायता से लगा देते हैं। 2 से 3 घंटे बाद हम इस पादप का परीक्षण करते हैं तो क्या देखते हैं, इस पादप की जो पत्तियों के बीच की सिरा और सिरिकाएं हैं वो लाल रंग की हो जाती हैं। यदि इसका अनुप्रस्थ काट काटा जाए तो जाइलम की वाहिका और वाहिनिका लाल रंग की होती है, उसमें जल भरा होता है ईओसिन का। इससे स्पष्ट होता है कि रसारोहण की क्रिया जाइलम ऊतक द्वारा संपन्न होती है। इसके बाद है रसारोहण की क्रियाविधि के कौन कौन क्रियाविधि। तो रसारोहण की क्रियाविधि के 3 सिद्धांत दिए गए, जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत, जिसका अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। शाम को जो आपकी जूम ऐप पे क्लास होगी उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।